एक बार की बात है, एक गांव में एक नन्हा सा बच्चा नामक हीरो रहता था। हीरो बहुत ही उत्साही और खोजील बच्चा था। उसे अनोखी चीजों की खोज में बहुत रुचि थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ खेलते समय एक पुरानी किताब खोई। हीरो ने उस किताब को ढूंढने के लिए बहुत समय निकाला, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपनी किताब को खोजने के लिए निकलेगा। हीरो ने अपने खोजने की यात्रा शुरू की और उसने अपने साथ अपने विश्वास पात्र और उत्साह को लिया। वह अपने दोस्तों को साथ ले लिया और उनके साथ एक अद्भुत सफर पर निकल गया। हीरो और उसके दोस्त गांव के बाहर के जंगल में पहुंचे, जहां वे नई नई चीजों के खोजने में लगे रहे। उन्होंने गांव के अलावा भी कई रोमांचक स्थान देखे और नए नए लोगों से मिले। सफर के दौरान हीरो ने बहुत समय तक खोज की, लेकिन उसकी किताब नहीं मिली। लेकिन इस यात्रा के दौरान वह बहुत कुछ सीखा और अपने आत्मविश्वास में एक नई कीमत पाई। आखिरकार एक दिन हीरो ने एक पुराने पेड़ के नीचे अपनी किताब को पाया। वह बहुत ही खुश और आभासी था। उसने अपनी किताब को उठाकर उसकी ओर देखा और एक अद्भुत संदेश पा गया। अगर आप सही दिशा में खोजते रहें, तो आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। हीरो ने यह समझा कि खोज और संघर्ष उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। वह अपने दोस्तों के साथ गांव लौट गया, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का आभास था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम खोजते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, तो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है।